विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, कक्षा 10, विषय अंग्रेजी, टॉपिक टेंसेज एक्सरसाइज, वीडियो क्रमांक 24। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज इस वीडियो में एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ जो प्रेजेंट टेंस से संबंधित है, तो इसको ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। तो इसमें 12 प्रश्न दिए हुए हैं, ये वीडियो क्रमांक 24। इट बी लीव टुडे ये एक मुक्त वाक्य है, तो ऐसी स्थिति में टुडे यहां आने पर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, क्योंकि ये फ्री सेंटेंस है, ये मुक्त वाक्य है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की फॉर्म भरेंगे, बी फॉर्म भरना है, इट बी लीव टुडे, तो इट इज लीव टुडे, तो यहां इज भरा जाएगा बी फॉर्म का। प्रश्न क्रमांक 2, द सन सेट इन द वेस्ट। अब ये भी एक म्यूनिसिपल ट्रूथ है, तो द सन सेट्स, SET, सेट्स सिंगुलर नाउन है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेट्स बनेंगे वर्ब इसकी। प्रश्न क्रमांक 3, रवि गो टू स्कूल दिल्ली। दिल्ली जो एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहां रवि सिंगुलर नाउन है, रवि गो टू स्कूल, फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आएगा, सिंगुलर नाउन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रश्न क्रमांक 4, सुरेश लिव इन जयपुर दीज डे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सुरेश सिंगुलर नाउन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज भरा जाएगा, सिंगुलर नाउन, इज लिविंग इन जयपुर दीज डेज, सुरेश इन दिनों जयपुर में रह रहा है, ऐसा भाव है इसका। प्रश्न क्रमांक 5, इट लिखो यहां, इट रेन सिंस मॉर्निंग, ये भी एक मुख्य वाक्य है, लेकिन सिंस फॉर का प्रयोग है, कोई आगे संकेत नहीं, ऐसी स्थिति में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो इट हैज बीन सिंगुलर नाउन है, हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, इसका अर्थ है यहां सिंस फॉर का प्रयोग टाइम दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये भी मुक्त वाक्य ही है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस भरा जाएगा, यानी कि हैज बीन हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, सिंस मॉर्निंग सुबह से। तो प्रश्न क्रमांक 6, सुरेश एंड गोपाल प्लुरल नाउन है, बी फॉर्म बननी है, माय इंटीमेट फ्रेंड, ये भी एक मुक्त वाक्य है, तो बी फॉर्म में सुरेश मुक्त वाक्य है और प्रेजेंट सिंपल में आता है, सुरेश एंड गोपाल आर माय इंटीमेट फ्रेंड्स, सुरेश और गोपाल मेरे घनिष्ठ मित्र है, तो आर भरी जाएगी यहां, आर सहायक क्रिया यहां मोहन वर्ग के रूप में आर होगी बी फॉर्म में, क्योंकि सुरेश और गोपाल दो है, प्लुरल है। आई रिसेंटली कंप्लीट माई वीडियो, ये भी एक मुख्य वाक्य है, आई रिसेंटली आया हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा इसमें, आई हैव कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड,
completed my video. I have recently completed my video. Present perfect tense. As have का प्रयोग और क्रिया की थर्ड फॉर्म. प्रश्न क्रमांक 8. There be 350 स्टूडेंट इन माई स्कूल. बी फॉर्म भरो. ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है. तो देयर आर ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बैठेगी बी फॉर्म में. प्लूरल नाउन है तो बी फॉर्म का प्लूरल रूप आर लिखें. देयर आर 350 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल भरा जाएगा. प्रश्न क्रमांक 9. वी विन 2 मैचेस सो फार. अब तक जिसका अर्थ है अब तक. सो फार एडवर्ब का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है. तो प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार वर्ब भरो. वी हैव. हैव के साथ में विन की थर्ड फॉर्म वॉन. ये वन टू मैचेस सो फार. अब तक हमने 2 मैच जीत लिए हैं या हम जीत चुके हैं. प्रश्न क्रमांक 10. नाउ आई लर्न इंग्लिश एंड संस्कृत. तो नाउ आया एडवर्ब. नाउ के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू लिखते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भरा जाएगा क्योंकि नाउ एडवर्ब आया हुआ है. तो नाउ आई के साथ एम लर्निंग. नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड संस्कृत. प्रेजेंट कंटिन्यू करो. इंग्लिश एंड संस्कृत. नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड संस्कृत. अब मैं अंग्रेजी और संस्कृत सीख रहा हूं. दे ऑलरेडी गो टू स्कूल. ऑलरेडी आया हुआ है. ऑलरेडी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी. प्रेजेंट परफेक्ट. तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट करो. दे हैव ऑलरेडी गॉन. गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल. वो पहले से विद्यालय जा चुके हैं. ये 11वां प्रश्न होगा पूरा. प्रश्न क्रमांक 12. प्रेम स्टडी इन एवीएम फॉर 3 इयर्स. फॉर का प्रयोग. प्रेम 3 वर्षों से एवीएम में पढ़ रहा है. अध्ययन कर रहा है. तो यहां भरेंगे फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. प्रेम हैज बीन सिंगुलर नाउन है. Has been studying. Studying लिखें. STYING. Studying. Prem has been studying in AVM for 3 years. तो इस बार प्रश्न में present perfect continuous tense भरा जाएगा. कंटिन्यूस भरें. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरें. सिंस फॉर का प्रयोग है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस भरें. तो प्रेम सिंगुलर नाउन है. हैज बीन साई क्रिया आएगी और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगी इसकी. यहां पर स्टडिंग लिखा या स्टडी लिखा तो भी ऐसे ही होगा. तो यहां पर नीचे लिखो स्टडी. मूल वर्ब लिख दिया स्टडी इन एवीएम. तो यहां इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की फॉर्म भरी जाएगी. स्टडी लिखेंगे. इस प्रकार से यह एक्सरसाइज है. आप सभी भैया बहनों को अपनी नोटबुक में इसे लिखना है और समझना भी. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसी के साथ में मैं यह वीडियो पूरा करता हूं. थैंक यू विद माई बेस्ट विशेस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स.
थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट विथ माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स।